दोस्तों हवा में या ऑन पेपर बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, अब टाइम आ चुका है आपको दिखाने का कि एक्चुअल में आपके लिए कौन सा फोन परफेक्ट है। होता क्या है ना, जब कोई फोन लॉन्च होता है स्टार्टिंग में वो अलग परफॉर्म करता है और कुछ टाइम बाद जब हम चेक करते हैं परफॉर्मेंस उसकी बदल जाती है या फिर कैमरा क्वालिटी उसकी चेंज हो जाती है। अब मेरे पास ये 5 स्मार्टफोन्स हैं, 25-26 हज़ार की रेंज में आप ये फोन बाय कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा किसका कैमरा इस टाइम पे बेस्ट है, अपडेट के बाद क्या हाल हो चुका है किसी फोन का, क्योंकि कई फोन मैंने ऐसे देखे हैं जो पहले मुझे लगते थे बेस्ट कैमरा फोन है बट अब उनकी हालत टाइट हो चुकी है। और साथ में आपको सब दिखाऊंगा 5G की स्पीड किसमें क्या आ रही है, कैसा UI किसका परफॉर्म कर रहा है। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर मेरे पास है iQOO Neo 6 जो कि हम सबका फेवरेट फोन रहा है फ्लैगशिप किलर वाले सेगमेंट का। 26,000 तक ये फोन ऑफर्स में मिल जाता है, फिलहाल 30,000 का मिल रहा है लेकिन अब फिर से ये फोन कम प्राइस में होने वाला है। दूसरा फोन है नथिंग फोन 1 जिसकी मार्केट में पूरी तरह से चर्चा रही है। नथिंग फोन 1 का क्या था ना, 33,000 का ये फोन था बट इस टाइम पे आप इस फोन को 26,000 का बाय कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेजर इंप्रूवमेंट देखी है, आगे बताता हूँ सब। इसके बाद है मोटो S30, ये फोन आपको 23 तक आराम से मिल जाते हैं और ऑफर में तो आप इसको 21,500-21,600 का भी आराम से ले सकते हैं। इसकी अपनी USP है क्योंकि यहाँ पर हॉट एप्स वाला कोई पंगा नहीं है, प्रॉपर क्लीन इंटरफेस आपको मिल जाता है। इसके बाद है सैमसंग का M53, कुछ टाइम पहले ये फोन लॉन्च हुआ था। अब इस फोन में क्या है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी किसी फोन में आपको नहीं मिल रही हैं। साथ में हमारा Realme 10 Pro Plus जो कि अभी लॉन्च हुआ था इंडिया में। इस फोन का एडवांटेज है इसका कर्व डिस्प्ले। अब बाकी सबके सामने ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ये देखते हैं। पहले बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। देखो डिजाइन बिल्ड में देखा जाए तो नथिंग फोन 1 सबसे आगे निकल के जाएगा बिकॉज इसमें ग्लास बिल्ड क्वालिटी है और मेटल का फ्रेम है, पर वहीं पर जब आप फोन को हाथ में लेंगे फोन ही आपको हैवी फील होगा, ये चीज़ तो है। अगर आपको ये ग्लास बिल्ड और मेटल फ्रेम मिल रहा है उसके साथ ही हैवीनेस आ रही है, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखकर चलना है। फोन काफ़ी बड़ा है और हैवी है। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लो और हाथ में बेल आइकन दबा देना ताकि मैं जैसे ही न्यू वीडियो लाऊं आपको ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस और देखने को मिल जाएं। और साथ में मैं आपको व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दे दूंगा, वहां पर आपको मेरी जो भी रिकमेंडेशन रहेंगी सब मिल जाएंगी। अब वैसे यहां पर विनर है नथिंग फोन 1 बिकॉज ये इकलौता फोन है जो कि आता है ग्लास बिल्ड के साथ, बाकी सारे हैं प्लास्टिक बिल्ड वाले स्मार्टफोन। डिपेंड है क्वालिटी किसकी कैसी है। अब जैसे कि ये अगला फोन है, ये फोन है मोटो S30। अब इस फोन को जैसे ही आप हाथ में लोगे ना आपको सही में अलग ही फील आएगी बिकॉज इतना स्लिम और लाइट वेट फोन है, बिल्कुल आपको ये फ्रोस्टेड ग्लास वाली फील देगा जब आप इसकी बैक को टच करेंगे। बट ये प्लास्टिक बिल्ड है, स्लिम है, ये अच्छी बात है, तो ये आएगा मेरे अकॉर्डिंग सेकंड नंबर पे बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के मामले में बिकॉज कंफर्टेबल और स्लिम की वजह से ये मैंने सेकंड नंबर पर फोन रखा है। और थर्ड नंबर पर हमारा रियलमी 10 Pro Plus, मज़ा आ जाएगा आपको, ये लॉन्ग टर्म तक आप फोन आराम से यूज़ कर सकते हैं, इतना मस्त लगता है फोन। ये कर्व डिस्प्ले है यहाँ पर जिसकी वजह से ये फोन इतना चर्चा में रहा है, इसकी भी डिज़ाइन और अच्छा है। हाँ बिल्ड जो है ना प्लास्टिक बिल्ड है, अगर मैं इसको मोटो S30 से कंपेयर करता हूँ तो मोटो S30 की थोड़ी प्रीमियम फील होती है बिल्ड यूज़ करने में, इसकी थोड़ी लगता है और इम्प्रूव क्वालिटी हो सकती थी। वैसे यहाँ पर मेरे पास जो वेरियंट है इसमें मैट फिनिशिंग है, फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर ज़्यादा नहीं आते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके ग्लॉसी वाला आप गलती से भी बाय मत कीजिएगा। फिर आते हैं हमारा iQOO Neo 6। अब इसका क्या है ना, मैट फिनिशिंग यहाँ पर दे रखी है, दिखने में ये भी आपको ग्लास वाली फील देगा बट वही है ना, थोड़ी क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी, तो ठीक है ये आता है हमारे 4th नंबर पर। अब अगर मैं रियलमी के बाद बात करता हूँ तो ये दो फ़ोन आते हैं लिस्ट में, एक तो है सैमसंग M53 और iQOO Neo 6। अब इनमें से दिखने में मुझे बेटर लग रहा है iQOO Neo 6, लेकिन जब आप फ़ोन को हाथ पे लेंगे जो कंफर्टेबल लगेगा फ़ोन वो लगेगा आपको सैमसंग M53 बिकॉज ये बहुत ही स्लिम है और पीछे जो बैक है वो भी बहुत मस्त लगती है, प्लास्टिक है लेकिन मेटेलिक से आपको फील होगा दिखने में ये, और टच करने में क्वालिटी इसकी अच्छी लग रही है। तो चलो डिज़ाइन बिल्ड तो आपकी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है किसको क्या पसंद आता है, मेन रहता है डिस्प्ले किस फोन का तगड़ा है। अब देखो रियलमी 10 प्रो प्लस तो भाग ही चुका है आगे बिकॉज यहाँ पर है एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और कर्व पैनल, तो इसको बीट करना तो आसान नहीं है किसी भी फ़ोन के लिए। नंबर वन तो यही रहे रियलमी 10 प्रो प्लस, सेकेंड नंबर पर आएगा सैमसंग का M53 बिकॉज यहाँ पर जो एमोलेड डिस्प्ले है या फिर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है वो कमाल का लगा है मुझे, ज़बरदस्त लगता है, क्वालिटी डिस्प्ले की काफ़ी अच्छी है। बाकी तीनों की डिस्प्ले क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है, लगभग एक जैसी आप बोल सकते हैं, इतना डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिला। क्वालिटी के बाद अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखो डिस्प्ले की एक तो क्वालिटी रहती है दिखने में कैसा लग रहा है, और एक रहता है जो हाई रिफ्रेश रेट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें रियलमी 10 प्रो प्लस बिल्कुल पीछे है, इसको अभी मेजर इंप्रूवमेंट चाहिए।
यहाँ पर इन्होंने दे तो रखे ऑटो स्विच का ऑप्शन, लेकिन जब आप इसको यूज़ करेंगे ना काफ़ी आपको लैग सा फील होगा ऑटो स्विच में, आपको ये हाई पे ही करके रखना पड़ेगा तब आपको यूज़ करने में मज़ा आएगा। उस चीज़ में अभी ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, अपने आप स्विच कर ले कि क्या कैसे आपको चाहिए। तो रियलमी 10 Pro Plus का डिस्प्ले लास्ट में आएगा इस मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर इंप्रूवमेंट चाहिए, जिटनेस वगैरह हमें देखने को मिल रही है। तो ये आप डिस्प्ले का इशू मान सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं प्रोसेसर यहाँ पर ढंग से ऑप्टिमाइज नहीं है। इसके बाद जो सैमसंग M53 है यहाँ पर कोई इशू नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चलता है 120Hz का रिफ्रेश रेट, बाकी सारे फ़ोन में बिल्कुल स्मूथ है, बस इशू इस फ़ोन में है। बाकी जो क्वालिटी है वो भी आपके सामने है सबकी, कैसे में मिलती है हाई रिफ्रेश रेट की। बाकी दोस्तों अगर आप फोन को आउटडोर में यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट सनलाइट में आपको यूज़ करना है, तब जो ब्राइटनेस है वो आप सबकी देख सकते हैं कैसे आपको मिल रही है। आइकोनियोस इसकी ब्राइटनेस मुझे सबसे अच्छी लगी है इन सबके कंपैरिजन में। उसके बाद मोटो एच 30 भी ठीक परफॉर्म कर रहा है, बाकी सबकी ब्राइटनेस आप देख सकते हैं इन दोनों की आगे है, बाकी तीनों की इनसे थोड़ी कम है। बाकी दोस्तों आप रैंकिंग दो आपके हिसाब से किस नंबर पे कौन सा फ़ोन आ रहा है, किसी एक को पिक करना इन सब के कंपैरिजन में बहुत मुश्किल है, आपकी प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा परफेक्ट है। अभी तक जितना हम बात कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अगर बताऊं तो 25,000 के अंदर Realme 10 Pro Plus डिस्प्ले के मामले में एक फ्लैगशिप किलर फोन है, बिकॉज कर्व डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिल रहा है, और आइकोनियो 6 जो है वो परफॉर्मेंस के मामले में एक फ्लैगशिप किलर फोन है, बिकॉज स्नैपड्रैगन 870 आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, इसमें स्नैपड्रैगन 870 नथिंग फोन वन में है, 778G प्लस, और मोटोरोला में भी यही सेम प्रोसेसर आपको मिल जाएगा। सबसे कम में इन सब में से डायमेंसिटी 900 जो कि आपको मिल रहा है सैमसंग M53 में, और रियलमी आता है डायमेंसिटी 1080 के साथ। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ सब में ऐप ओपन करके किस में कितनी फास्ट एप्लीकेशन ओपन हो रही है, क्योंकि ऑन डे पर तो सब अच्छा दे देते हैं, डिपेंड करते हैं उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसी की गई है। अब ये तो चलो मैं मानता हूँ कि किलर है, इसको मैं लिस्ट में रखूंगा तो यही जीतेगा। हम जरा स्पीड टेस्ट करेंगे इन सारे स्मार्टफोन्स का, ये आप देख सकते हैं जो स्पीड किसकी क्या आई है, इससे आपको पता लग गया होगा प्रोसेसर नंबर में देने में और एक्सपीरियंस में कितना डिफरेंस आता है। बाकी 778G प्लस मुझे तगड़ा लगा मोटो एज 30 और नथिंग फोन 1 का, बहुत ही ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस यहाँ पर मिल रही है और बहुत ही स्टेबल ये प्रोसेसर है। जब भी आप यहाँ पर हैवी गेमिंग करेंगे या कोई भी गेमिंग करेंगे बिल्कुल हाई लेवल की सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी, जो कि अभी मिसिंग रहती हैं डायमेंसिटी प्रोसेसर्स में, जिन दोनों में सेटिंग्स अभी कम हैं, इनको इंप्रूवमेंट चाहिए। और जो हमारा आइकोनियो 6 है ये तो दोस्तों सबका पापा है ही, यहाँ पर 870 है, यहाँ तो मिलती है आपको सारी सेटिंग्स, बाकी प्राइसिंग भी फिर इसका इनसे ज़्यादा ही हमें देखने को मिलता है फिलहाल तो। अब बात करते हैं यूज़र इंटरफेस के बारे में, जो कि एक आजकल बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि Realme 10 Pro Plus में हमें जो इंटरफेस मिल रहा है इसमें हॉट ऐप्स हॉट गेम का सेक्शन मिल गया था, ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपको दिखती थी हॉट गेम्स या हॉट ऐप्स। अब देखा जाए तो वीवो भी हमें दे रहा है, आईको भी हमें दे रहा है ये चीज़, सेम आप देख सकते हैं यहाँ भी हॉट ऐप्स हॉट गेम्स हमें मिल रही हैं, बट मुद्दा थोड़ा ज़्यादा बन गया Realme 10 Pro Plus का। अब इस चीज़ को ब्रांड को इम्प्रूव करना पड़ेगा, चाहे वो आईको को मैं बात करता हूँ मैं या फिर Realme की बात करता हूँ, इन चीज़ों को यहाँ से हटाना पड़ेगा तब कुछ बात बनेगी। ऐसे तो क्या है ना, फ़ोन परचेज करके बंदा पहले क्लीन करता ही बैठ जाएगा फ़ोन को, हालांकि Realme का एक आ चुका है सर्कुलेशन जिसमें उन्होंने क्लियर किया है इस चीज़ को हम फिल्टर कर रहे हैं, आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो वेट करते हैं कब ऑफिशियल अपडेट आता है हमारे फ़ोन में, फिलहाल जो अपडेट मेरे में आया था उसके बाद भी ये चीज़ें हमें ऐसे ही देखने को मिल रही हैं, रिकमेंडेशन हमें देखने को मिल रही हैं अभी तक। तो UI के मामले में सबसे लास्ट में आएगा Realme UI, बिकॉज इसमें जो परफॉर्मेंस है UI की उतनी स्मूथ नहीं लगी मुझे, लैग जिटनेस हमें देखने को मिल रहा है, माना कि कर्व डिस्प्ले दे दिया सस्ते में लेकिन बाकी चीज़ों का क्या। सेकंड इसके बाद आएगा फोर्थ नंबर पर आइकोनियो 6, बिकॉज यहाँ पर क्या है ना स्मूथनेस अच्छी है पर ब्रॉडफेयर या होट वाला जो सेक्शन है वो अभी भी मिल रहा है, बाकी सबके कंपेरिजन में ये फोर्थ पे ही सही लग रहा है मुझे, इससे नीचे मैं नहीं ला सकता। बाकी आइको में अच्छी बात ये है कि जो यहाँ पर ये सेक्शन मिल रहा है आपको होट ऐप या होट गेम्स का, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको प्ले स्टोर पर लेके जाएगा, तो जो भी आपको यहाँ पर ऐप्स मिलेंगी वो लीगल रहेंगी, ऐसा नहीं है कि कोई बैन ऐप आपको यहाँ पर मिल रही है, जो कि Realme में दिक्कत रहती है ना, इनकी अपनी मार्केट है फालतू की, वहाँ पर ऐप्स होती हैं बैन वाली ऐप्स भी वहाँ पर होती हैं, वो दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी, ये प्लस पॉइंट है। मैंने यहाँ पर दो सेक्शन बनाए हैं, एक तो स्टॉक एंड्रॉइड का, एक कस्टम UI का। कस्टम UI में ये आप कह सकते हैं पहले नंबर पर है 1UI सैमसंग का, बहुत ही स्मूथ है, क्लीन है, यूज़ करने में बहुत ही प्रीमियम फील होता है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब बात आती है क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड में कौन विनर निकल के जाएगा। एक तरफ है मोटो एच 30 और एक तरफ है नथिंग फोन 1। अब आप इन दोनों का यूज़ करेंगे ना तो आपको अलग ही एक्सपीरियंस होगा, किसी को पिक करना थोड़ा मुश्किल रहता है इन दोनों में से अगर हम UI की बात करते हैं तो। बट फिर भी जब लॉन्ग टर्म तक हम फ़ोन यूज़ करते हैं तब मैंने ये देखा है जो मोटोरोला का फ़ोन है वो ज़्यादा
अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बग्स यहाँ पर थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। तो नंबर वन पे मैंने रखा है मोटोरोला के यूआई को। नंबर टू पे आता है नथिंग फोन वन का यूआई। हालांकि मुझे अच्छा ये लगा है नथिंग फोन वन में नथिंग ने बात सुनी है, इंप्रूवमेंट करी है। जब ये फोन लॉन्च हुआ था तब काफ़ी ज़्यादा बग्स वगैरह आते थे इसके यूआई में, अब उनको काफ़ी हद तक फिक्स किया गया है। मोटोरोला इस चीज़ में थोड़ा पीछे है, बात वो कम सुनते हैं यूजर्स की, अपडेट थोड़ी लेट दे देता फिलहाल, लेकिन यूज़ करने में ये मुझे थोड़ा बेटर लगा। अब अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो देखो सब में मैंने कॉलिंग वगैरह सब चेक टेस्ट कर ली है, कॉलिंग में ईयरपीस में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ हमें ये देखना है आजकल जैसे पूरी इंडिया में 5G का कहर चल रहा है, 5G किस में स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर नेटवर्क सही आ रहा है, ये चीज़ हम चेक करते हैं। जैसे कि ये सारे फोन आप देख सकते हैं सब में मैंने यहाँ पर सिम डाल दी है, 5G सिम यहाँ पर है। ये देखो ये 5G की स्पीड आपके सामने है, यहाँ पर नथिंग फोन वन ने बाजी मारी है, 1 GBPS से ऊपर गई है इसकी स्पीड। फिर IQ है, मैंने सब नंबर लिख दिया ऊपर जिससे आपको आइडिया लग जाए कौन सा कितने नंबर पे आ रहा है। अब जैसे कि आपने देखा 5G की स्पीड कहाँ जा रही है किस फोन में, इससे आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा अगर आपकी प्रायोरिटी स्पीड है 5G है तो आपके लिए कौन सा फोन परफेक्ट रहेगा। अब आता है सबसे मेन पॉइंट जिसके लिए मुझे लगता है आप सब लोग वेट कर रहे हैं, वो है किसका कैमरा कहाँ स्टैंड कर रहा है आज की डेट में। बिकॉज जब लॉन्च हुआ था फोन तब कुछ और था, अब चीज़ें काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं इन सारे पुराने वाले स्मार्टफोन्स की। रियलमी तो अभी आया, इसको तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या कैसे है। अब कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करता है ये हम देख लेते हैं। अब इस पहली पिक्चर में क्लियरली आप देख सकते हैं आईक्यू नियो 6 की पिक्चर ज़्यादा बेटर आई है। एक तो जो सामने पिलर है वो भी अच्छे से मेंटेन है इसमें, उसमें ब्राइटनेस अच्छी आ रही है और बैकग्राउंड भी ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर नंबर दे दिए हैं जिससे आपको क्लियर आइडिया लग जाए किस नंबर से किस फोटो ने परफॉर्म किया है। अब जैसे कि ये पिक्चर है, अगर आप वैसे पिक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा मोटो S30 की पिक्चर बेस्ट है इन सब में से, लेकिन ये दो नंबर पे इसलिए है कि यहाँ पर ओवर शार्पिंग देखने को मिली है। जो बाकी सारी पिक्चर्स हैं उनमें ओवर शार्पिंग नहीं है, लेकिन डायनेमिक रेंज का इशू देखने को मिल रहा है। आईक्यू नियो 6 यहाँ पर भी बाजी मार रहा है। एक बात यहाँ पर क्लियर है, अगर आपको फूल बत्तियां या इस टाइप की पिक्चर्स लेनी है तब कुछ और चीजें सामने निकल के आती हैं, लेकिन जब आप ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करते हैं ना तब सिनेरियो पूरी तरह से बदल जाता है। अब जो मैंने आपको यहाँ पिक्चर दिखाई है पोज कर करके आप अच्छे से देख सकते हैं क्यों मैंने ये नंबर दिए हैं इन पिक्चर्स को। अब अगर हम ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करते हैं, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, अगर आपकी बैकग्राउंड पे ज्यादा लाइट है तब आईक्यू ने पिक्चर को अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, लेकिन एक यही जगह है जहां पर आईक्यू विनर रहा है ह्यूमन सब्जेक्ट में। बाकी पिक्चर्स में क्लियरली आप देख सकते हैं जैसे कि इस पिक्चर में मेरे फेस पे कितनी ज्यादा लाइट थी, सन बिल्कुल मेरे सामने था। रियलमी ने इस पिक्चर को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है और बाकी पिक्चर ने फेस पे अलग से ही चमका दिया फेस को, क्लियर पता लग रहा है कि मैं सनलाइट के सामने बैठा हुआ हूँ बाकी पिक्चर्स में। मुझे रियर कैमरा यहाँ पर रियलमी का अच्छा परफॉर्म करता दिख रहा है और अपडेट के बाद यहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट देखने को भी मिली है पहले के कंपैरिजन में। अब बात आती है सेल्फी कैमरा के बारे में। अब सेल्फी कैमरे में अगर आप नॉर्मल पिक्चर कैप्चर करेंगे तो रियलमी बिल्कुल ही यहाँ पर फेल हो जाएगा, लेकिन अगर हम पोर्ट्रेट शॉट की बात करते हैं तो यहाँ पर रियलमी की पिक्चर बहुत अच्छी आई है, कलर्स वगैरह डिटेलिंग बहुत बढ़िया है इस पिक्चर में। हाँ अगर हम वीडियो की बात कर रहे हैं आप तो वीडियो भी आप ये सैंपल देख सकते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों रियलमी में दुनिया हिल चुकी है। साथ में आईक्यू में भी यहाँ पर उतना अच्छा मुझे रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा और सैमसंग भी पूरी दुनिया यहाँ पर हिला रहा है। मोटो S30 की स्टेबलाइजेशन ज्यादा बेटर लग रही है यहाँ पर। हाँ बैकग्राउंड पे अलग से ऐसा लग रहा है कि एक्सपोजर ऊपर नीचे हो रहा है, पर वैसे अगर मैं दुनिया हिलती देखता हूँ ना तो वो चीज़ यहाँ पर अच्छी आई है। बाकी आईक्यू नथिंग रियलमी इनमें थोड़ी जिटनेस हमें देखने को मिलती है जिसको इम्प्रूव करना पड़ेगा इनको OTP की मदद से। अब हम सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी के मामले में इन दो को बीट कोई नहीं कर सकता। एक तो है मोटो S30 थिंक शील्ड सिक्योरिटी यहाँ पर मिल रही है और सैमसंग M53 जो कि आता है अपनी नॉक सिक्योरिटी के साथ, और यहाँ पर आपको सिक्योर फोल्डर जैसे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें क्या होता है ना आप एक फ़ोन को यूज़ करके दो फोन का मजा ले सकते हैं, एक अपनी पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ को आप अलग रख सकते हैं M53 यूज़ करके। ये चीज़ें बाकी फ़ोन में देखने को नहीं मिलती हैं। अगर मैं स्पीकर्स की बात करता हूँ तो देखो इसको हटा दो साइड में M53 को, बाकी सबके स्पीकर्स मुझे अच्छे लगे हैं, स्टीरियो स्पीकर्स हैं सब में। इसमें सिंगल स्पीकर है जो कि एवरेज सा परफॉर्म करता है, उतना अच्छा है मुझे नहीं लगता इन सबके सामने। तो क्लियर है, मैं आपको सबके साउंड सुनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप समझ जाओ बस सबके स्पीकर्स टॉप क्लास के हैं इसको छोड़ के। अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये किस में कितनी बैटरी आपको मिल रही है। मैं आपका मैं सीधा बता देता हूँ, सबसे कमज़ोर बैटरी है मोटो S30 की, पता नहीं चलेगा आपको कब आपका फोन पूरा डेड हो गया, मुश्किल से एक दिन का बैकअप भी यहाँ पे मानो कि आपको मिलने वाला है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद जो Realme 10 Pro Plus है इसमें 5000mAh की बैटरी है, लेकिन जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कमाल की है, आपको ऐसा बैकअप मिलेगा जैसे कोई 5500mAh की बैटरी हो। तो यहाँ पर बैटरी के मामले में ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मार्टफोन है। बाकी आईक्यू नियो 6 नथिंग फोन वन में आपको ठीक बैकअप मिल जाता है, आप लगा लो एक दिन का बैकअप आराम से मिलेगा, एक से डेढ़ दिन का,
ओपन चीज ने यहाँ पर भी ठीक की गई है बैटरी को लेकर। और सैमसंग M53 भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बैटरी के मामले में, बिकॉज 5000 mAh की बैटरी मिलती है आपको 1 UI के साथ। 1 UI हम सब जानते हैं काफ़ी ज़्यादा कम बैटरी कंज्यूम करते हैं, बहुत ही सही है परफॉर्म करते हैं बैटरी बैकअप के मामले में। तो यहाँ भी आप लगा लो बैटरी बैकअप तगड़ा मिलेगा। तो नंबर 1 पे है Realme 10 Pro Plus, नंबर 2 पे आपको मिलेगा सैमसंग M53, नंबर 3 पे दोनों फ़ोन है, और लास्ट में आता है मोटोरोला। अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं इनमें से मुझे कौन सा फ़ोन बेस्ट लगा कौन सा नहीं लगा, देखो सभी फ़ोन की कुछ ना कुछ USP हैं, ऐसा नहीं है एक फ़ोन यहाँ आया तो एक फ़ोन यहाँ है। यहाँ पर एक तो iQOO Neo 6 फ़ोन है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है परफॉर्मेंस के मामले में, बिकॉज स्नैपड्रैगन 870 इन सबको आराम से बीट कर रहा है। तो अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए साथ में एक बड़ा डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए तो आपके लिए परफेक्ट रहेगा iQOO Neo 6। यहाँ पर आप गेमिंग मस्त कर सकते हैं, डिस्प्ले भी बड़ा है, परफॉर्मेंस अच्छी है और कंफर्टेबल फ़ोन लगेगा, बिकॉज स्लिम और ज़्यादा हैवी फ़ोन ये नहीं लगता यूज़ करने में। तो ये नंबर 1 में आता है परफॉर्मेंस के मामले में। बाकी अगर आपको कैमरा चाहिए ना, हालांकि कैमरा इसका भी अच्छा है, लेकिन नथिंग फोन 1 के सामने इन सबका कैमरा इस बार थोड़ा पीछे रह गया। तो कैमरा के लिए मैं कह सकता हूँ बेस्ट कैमरा फोन है इस टाइम पे नथिंग फोन 1 इस रेंज का। कैमरा स्ट्रॉन्ग है इसका, बिल्ड क्वालिटी ग्लास की मिल जाएगी, परफॉर्मेंस इसकी भी काफ़ी तगड़ी है अगर हम बाकी सब स्मार्टफोन को देखते हैं तो iQOO Neo 6 की जगह पे। तो यहाँ पर ये भी एक रिकमेंड करने लायक फ़ोन है इस टाइम पे। बाकी जगमग जगमग लाइट तो यहाँ पर आपको मिलती ही है जिसके लिए ये फ़ोन पॉपुलर हुआ था। बैक साइड पे अलग अलग टाइप की रोबोट वाली लाइटनिंग आपको मिल जाएगी। तो बेस्ट गेमिंग फोन, बेस्ट कैमरा फोन और बेस्ट फोन फॉर यूजर इंटरफेस एंड आपको अगर स्लिम मोड लाइट वेट फोन चाहिए तो मोटो S30 आपके नीड को पूरा कर देगा। बिल्कुल स्लिम और लाइटवेट फोन है और UI इसका सबसे क्लीन है इन सब स्मार्टफोन्स में से। बाकी सैमसंग M53 का UI भी 1 UI है जो कि प्रीमियम लगेगा यूज़ करने में, नोक सिक्योरिटी के साथ ये फ़ोन आता है। परफॉर्मेंस जो है वो नथिंग फोन 1 की ज़्यादा बेटर है M53 के कंपैरिजन में, ये चीज़ भी आपको माइंड में रख के चलना होगा। यहाँ पर डैमेज 900 है जो कि उतना स्टेबल नहीं है जितना कि है 778G+। कुमला के बात ऐसी है, इनमें से आप किसी भी फ़ोन में पैसा लगा लो, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपको देखना होगा आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा फोन परफेक्ट है। मैं मानता हूँ इस बजट में और भी स्मार्टफोन्स हैं, वो भी मैं लिस्ट में रख सकता था, लेकिन मैंने कुछ फ़ोन पिक किए हैं जिससे आपको थोड़ी कन्फ्यूजन कम रहे। आप बताना मुझे कमेंट्स में इनमें से आप किस फोन में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिलेगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।